उन्हें कामयाबी में सुकून नज़र आया तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी नज़र आई तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों के बोझ में बशर, तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। वाह। सोचती हूँ बशर नवाज जी ने जब ये लिखा होगा तो इंसान को हसरतों का बोझ उठाकर चलते हुए नज़दीक से देखा होगा जी। और ठीक भी है, एक हसरत पूरी तो दूसरी शुरू, मानो के सिलसिला रुकता ही नहीं। और रुके भी क्यों, आखिर चलते रहने का नाम ही तो जिंदगी है। पर अगर सुकून चाहिए तो कुछ पल तो ठहरना होगा ना जी, थोड़ा सा कहीं रुकना होगा जीने के लिए, मुस्कुराने के लिए। अच्छा आप ही बताइए, आपकी नजर में सुकून क्या है? किसी रोते को हंसा देना सुकून है, जब हमारी वजह से किसी का चेहरा खिल उठे तो वो सुकून है जी। जब बिना वजह किसी के लिए हम कुछ कर दें या यूं ही चलते चलते किसी का बोझ अपने हाथों में उठा लें, कुल मिला के सुकून देना ही सुकून है, बस बेवजह बेगरज होकर। और कहीं पढ़ा भी, कई बार महसूस भी किया कि प्रार्थना में उठने वाले हाथों से कहीं ज्यादा पाक और पवित्र होते हैं वो हाथ जो सेवा में उठते हैं जी। शायद यहां से वहां तक के सफर की सीढ़ी ही निस्वार्थ सेवा है जी। बिल्कुल, तो सेवा के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में हाजिर हैं हम, मैं मनीष, मैं रश्मि। नमस्कार, धन निरंकार। रश्मि जी जी, वो कौन सी एक ऐसी चीज है जो इंसान को दूसरे सभी लिविंग बीइंग से अलग बनाती है? इंसान को, इंसान को जी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है मनीष जी जी, क्योंकि इमोशंस, फीलिंग्स, एम्पैथी, ये सारी क्वालिटीज तो तकरीबन सभी क्रिएचर्स के अंदर दिखाई देती हैं जी। पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल, सिर्फ इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जो कि जैसा चाहता है, सोचता है, उसे एज इट इज एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है जी। और मुझे लगता है कि कैपेबिलिटी और एबिलिटी से ज्यादा जरूरी है अवेलेबिलिटी। बिल्कुल, दैट इज व्हाई इट वाज सेड बाय समवन दैट योर अवेलेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एबिलिटी। एब्सोल्युटली, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमारा अवेलेबल होना जरूरी है, मन के अंदर भाव होना जरूरी है। बिल्कुल, बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जी, कुछ महिलाएं एक नदी के किनारे पे बैठी थी, तो सभी संपन्न और सुंदर थी। अच्छा, वे नदी के जल में अपनी छाया देख देख कर अपनी रूप सौंदर्य पर खुद ही मुग्ध हो रही थी। अच्छा, उनमें से एक ने कहा कि उसके हाथ सबसे सुंदर हैं। अच्छा, दूसरी ने कहा कि उसके हाथ ज्यादा खूबसूरत है जी। फिर तीसरी कहां पीछे रहने वाली थी, उसने भी यही दोहराया। अब इस बात पर उन सब में बहस छिड़ गई, जाहिर है जी। तो तभी एक बुजुर्ग महिला वहां से गुजरी जो देखने में बहुत ही निर्धन लग रही थी। उन महिलाओं ने उसे देखते ही कहा कि व्यर्थ की तकरार छोड़कर इस बुजुर्ग से पूछते हैं कि हम में से किसके हाथ सुंदर हैं। अच्छा, सबने एक साथ उसे आवाज दी। जब वो वृद्ध महिला पास आई तो सबने उससे एक साथ पूछा कि हम में से सबसे सुंदर किसके हाथ है जी। तो वो बुजुर्ग महिला बोली, मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, पहले कुछ खाने को दो, चैन पड़ेगा तभी बता पाऊंगी जी। ये सुनकर उन महिलाओं को लगा कि जो इतनी दीन है उसे सुंदरता की भला क्या परख होगी, और सबने उसे जाने को कह दिया। अब वहीं एक थोड़ी सी दूरी पर एक मजदूर महिला बैठी थी, वो देखने में सामान्य लेकिन बड़ी विनम्र थी। उसने उस वृद्ध बुजुर्ग महिला के पास बुला करके बड़े प्यार से उसे बिठाया और अपनी पोटली खोल करके अपने खाने में से आधा खाना उसे दे दिया। फिर नदी से पानी ला करके भी पिलाया। उस महिला ने उसके हाथ पैर भी धोए जी। इससे उस बुजुर्ग महिला को बड़ा आराम मिला। जाते समय वो उन सुंदर महिलाओं के पास जाकर के बोली कि सुंदर हाथ उन्हीं के होते हैं जो अच्छे कर्म करें और जरूरतमंद की सेवा करें। वाह, क्या बात है मनीष जी। ये जी। कहानी सुनकर तो मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल आ रहा है, निष्काम भाव से की जाने वाली सेवा जहाँ किरदार को सुंदर बनाती है जी,
बाहर की दुनिया को बेहतर बनाती है, वहीं मन के अंदर की दुनिया को भी शीतल और निर्मल करती है। बिल्कुल सच कहा आपने। और अब जबकि शीतल और निर्मल शब्दों को हमने अपने श्रोताओं के जहन में उतार ही दिया है, तो इस एहसास को और मजबूत और गहरा करते हुए आइए सुनते हैं पावन हरदेव बाणी का ये शब्द। सेवा की जाती है सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। सेवा उसको मिलती जिस पर गुरु कृपा जाती है, बिन कृपा के कभी किसी को सेवा ना मिल पाती है। सेवा ना मजबूरी कोई और ना कोई बंधन है, खुद को आनंद से भरने का सेवा तो एक साधन है। वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। सेवक कोई छोटा है ना, सेवा कोई छोटी है, रूप हो कैसा ढंग हो कैसा सेवा सेवा होती है। चेतन और सजग रह कर जो सेवा करता जाता है, कहे हर देव सुखों से अपना सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। मनीष जी, जी हम सभी ने कभी ना कभी फिल्में तो देखी होंगी जी, पर जब हम उन्हें रिकॉल करते हैं तो आपको क्या ध्यान आता है सबसे ज्यादा? एक्टिंग, गाने या कलाकार? या कलाकार, यस जी जी। पर उसके पीछे जितने लोग काम करते हैं, जिन्होंने वो डायलॉग्स लिखे होते हैं या स्क्रिप्ट लिखी होती है या गीत के बोल लिखे होते हैं, क्या कभी हम उन्हें ध्यान कर पाते हैं? नहीं, बहुत अक्सर तो ऐसा ही होता है कि उनका नाम पर्दे पर आने से पहले हम अपने अपने घरों की तरफ रुख कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ऐसी ही कुछ सेवाएं भी हैं जो पर्दे के पीछे निरंतर तो चलती हैं लेकिन हमारे सामने इस रूप में नहीं आ पाती। और ऐसे ही कुछ महात्मा आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जी, जो निरंतर अपना योगदान पर्दे के पीछे से दे रहे हैं। वैसे तो मनीष जी, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जहां बहुत सारे सेवादार अपना अंथक योगदान लगातार दिए जा रहे हैं जी, बिल्कुल। पर आप समझ ही सकते हैं कि एक एपिसोड में सभी को लाना मुमकिन सा नहीं। बिल्कुल। पर एक छोटी सी कोशिश जरूर की है और इसी कोशिश के चलते बहुत खुशी हो रही है ये बताने में कि आज हमारे साथ हैं संत निरंकारी मंडल की वर्कशॉप से आए महात्मा, जो कि वर्कशॉप में ट्रांसपोर्ट की सेवाएं निरंतर निभा रहे हैं। आदरणीय लाली बटालवी जी व आदरणीय कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू जी। निरंकार जी, कमल जी और लाली जी, आप जी का जहां स्वागत है वहां मेरे से ध्यान आ रहा है कि गाय बगाए दिन रात आपको हम सेवाओं में देखते हैं। जब भी कभी वर्कशॉप जाने का मौका मिलता है आपके दर्शन भी होते हैं। तो कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके लिए सेवा क्या है?
मनीष जी, जहाँ तक मेरा मानना है कि सेवा एक समर्पण या निष्काम भाव का एक भाव है जी, जहाँ पे प्रेमा भाव और समर्पित भाव का एक समावेशन होता है, या फिर यूं कहें कि जहाँ पे लेने या देने का कोई हिसाब किताब ना रखा जाए उसे सेवा कहा जाए जी। तो जैसे कि दास की सेवा है ट्रांसपोर्ट एंड वर्कशॉप में जी, तो जाहिर सी बात है ड्राइवर महात्माओं से संबंधित काम है जी। तो किस प्रकार से जब भी ड्राइवर महात्माओं को बुलाया जाता है सेवा के लिए, बिना समय देखे हुए ये महात्मा लोग सुबह से लेके रात तक लगातार जो है ना सेवा में लगे रहते हैं। बिल्कुल। मैकेनिकल जो स्टाफ है जी, जो गाड़ियों को ठीक करता है, वो भी अपना समय को देखे बिना लगातार अपनी सेवा में, अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से उनको जो जो सेवा मिली है, वो धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, मौसम चाहे किसी प्रकार का क्यों ना हो, यानी कि यूं कहें कि सीजन कैसा भी क्यों ना हो, ये केवल सीजन को नहीं देखते, ये केवल सेवा करने के एक रीजन को देखते हैं। बहुत खूब, बहुत। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सेवा शायद इसी का ही नाम है, जिस प्रकार से पवित्र अवतार वाणी में भी लिखा है जी, तन मन धन तिन्ना तो ऊंची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरीक्षित ते सतगुरु नु बांधिए। तो इस प्रकार से ये महात्मा समय को देखे बिना दिन रात जिस प्रकार से, विशेष जो हमारे ओकेशंस होते हैं जैसे संत समागम है जी, या भक्ति पर्व है, मुक्ति पर्व है, या इस प्रकार के जो भी हमारे कार्य आते हैं बीच में, तो उसमें ये महात्मा लोग सभी दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। वाह क्या बात है। मेरा अगला सवाल लाली जी आपसे है कि आपके लिए सेवा में और काम में क्या फर्क है? निजी काम की तो एक, जैसे कोई ड्यूटी पे जाता है संसारिक विहार से, जैसे दास कह रहा है कि जैसे हम किसी जॉब पे जा रहे हैं, वहाँ पर हम घड़ी देखते हैं कि ये इतने घंटे की ड्यूटी है और इतने घंटे मेरा ऑफ हो जाएगा और इतने घंटे में ऑन हो जाएगा। सेवा में कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो दास का तो यही ख्याल भी है और यही ध्यान भी है कि जब चाहो जहाँ भी चाहो आप सेवा कर सकते हो, चाहे अपनी कॉलोनी में हो, चाहे आप अपनी सेवा में लगे हो, इधर कहीं भी आप जा रहे हो। एक सच्चे गुरसिक की यही निशानी है कि वो कहीं भी सेवा कर सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपने कितना सही फरमाया कि चाहे वो पड़ोस हो या कहीं भी कोई भी स्थान हो या घर परिवार हो जी, तो सेवा तो कहीं भी की जा सकती है। हाँ, बहुत खूब। सेवा की कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि शहनशाह जी ने भी कहा, बाबा गुरबच्चन सिंह जी ने भी कहा जी, और बाबा हरदेव सिंह जी ने भी कहा, माता सविंदर जी ने भी कहा, अब सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने कहा कि सेवा जो है वो अंदरूनी भाव से होती है, रूह से होती है सेवा। और जैसे कहा भी है संतों ने, मन वेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। तो समर्पित करना सतगुरु के आगे अपने आप को, तो मेरा तो यही सभी संतों के चरणों में विनती है कि सतगुरु के चरणों में लग के सेवा करें और कोई दिन रात ना देखे, कोई टाइम ना देखे। और मुझे ऐसा ध्यान आता है कि जैसे आप काम पे जाते हैं, जैसे अपने काम का जिक्र किया, नौकरी का जिक्र किया, वहाँ पर जाने आने का टाइम फिक्स है, लेकिन आपका तो ना जाने का पता होता है ना आने का पता होता है। और इतना एक प्योर भाव आप सेवादारों में देखा जाता है कि वो समय का बिल्कुल ध्यान ना रखते हुए जैसी सेवा दी जाती है उसको बखूबी बड़े ही आदर सत्कार के साथ निभाते हैं। सतगुरु ने नवाजा है सेवा से कि दातार सबको शक्ति बख्शे कि रात दिन सेवा कर सकें। आप भी करते रहो, सारे करते रहो जी। और दातार कृपा करे कि आगे 75th समागम भी आ रहा है, तो सभी का ये सेवा भाव बना रहे, सभी सेवा में लगे रहे और ये समर्पण भाव बना रहे। बहुत उत्तम भाव आपसे हमने सुने। और हम ये भी जानते हैं कि जहां आप ये सेवाओं में लगे हुए हैं, वहां पे दातार ने आपको एक और कला बख्शी है, जिसे हम गीत गाने की कला भी, आप दोनों महात्माओं को वो गुण प्राप्त हैं, तो हम चाहेंगे कि एक एक लाइन, दो दो लाइन आप मिल करके सेवा के ऊपर कोई गीत भी हमें सुनाएं। आओ संतों सतगुरु के सब सेवादार बने, आओ संतों सतगुरु के सब सेवादार बने, फिर इसकी रहमत के हम
फिर इसकी रहमत के हम हिस्सेदार बने। आओ संतों सतगुरु के सब सेवादार बने, आओ संतों सतगुरु के सब सेवादार बने। कमाल है ना, बहुत सुंदर। कितनी सुंदर आवाज और कितने सुंदर भाव आपने जो हमें ये शब्द दिए, अपने भाव यहाँ पे इस रूप में प्रकट किए, तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जी। शुक्रिया मनीष जी, शुक्रिया रश्मि जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। देश हो या संत समागम, तैयारी रखते हैं हम हर दम, करना नहीं अहंकार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा तो रश्मि जी, इस मधुर गीत के बाद इस लड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे अभी हमने दो महात्माओं को वर्कशॉप से सुना, आज ऐसा ही ध्यान है कि हमारे बीच में दो ऐसे और भी महात्मा मौजूद हैं जो वर्षों वर्ष से लंगर बनाने की सेवा कर रहे हैं जी। तो आइए उनके तजुर्बे, उनके अनुभव भी हम उन्हीं से ही सुनते हैं। आदरणीय महात्मा जवाहरलाल जी, जिन्हें हम छोटू जी के नाम से जानते हैं जी। और आदरणीय महात्मा सोहनलाल जी, तो आप जी दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जवाहरलाल जी से कि आपका नाम छोटू जी कैसे पड़ा। ऐसा है, मेरा नाम छोटे लाल जी छोटे पर से आए थे ना, तो राजमाता जी छोटू छोटू करके बुलाते थे, इसलिए मेरा नाम छोटे लालों से नाम जवाहरलाल है, बाकी छोटे छोटू करके बुलाते, इससे ज्यादा लोग महात्मा छोटू जी के नाम से जानते। अच्छा, तो ये मतलब आपका जो नाम है वो राजमाता जी की देन है। हाँ जी। वाह वाह। छोटू जी, लंगर की सेवा आप जी कब से निभा रहे हैं? लंगर की सेवा सन 80 से आए, 80 से मतलब फिर आके लग गए, तभी से सेवा चल रही है। वाह। और जैसे मैंने पहले कहा, सोहनलाल जी हमारे साथ हैं। सोहनलाल जी, कोई ऐसी खास बात या किस्सा जो लंगर की सेवा के साथ जुड़ा हो, आपको याद आ रहा हो, भी हमारे साथ शेयर कीजिए जी। बहुत पहले इस समय की बात है, हजूर वृक्षाप में आए थे जी, सब महात्मा ने नमस्कार करे, नाचे गाए, सब ने कर लिया जी। हम लोगों ने लंगर बना रहे थे, वह सारे लंगर बन गया था, सिर्फ प्रसाद रह गया था। अच्छा। हम ही बना रहे थे, हजूर साथ से ही निकल गए। जब हजूर निकल गए तो हमें बड़ा एहसास हुआ कि मेरे से कोई गलती हो गई। अच्छा। तो मेरे को नमस्कार नहीं मिली, तो बड़ा मैं एहसास कर रहा था। फिर दो मिनट के बाद हजूर अंदर आ गए कोठी में जी। अच्छा। कोठी में से आपस आ गए, आकर मेरे पीछे खड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं लगा। अच्छा। अब आने के बाद उन्होंने बोला, भाई साहब क्या बना रहे हो? अच्छा। तो हमें नहीं सुनाई दिया जी, दो बार बोले तो भी नहीं समझ पाए। तीसरी बार हजूर ने जब कहा कि भाई साहब क्या बना रहे हो, थोड़ा जोर से। अच्छा। तो मैं तो डर गया। फिर एकदम साक्षात दर्शन हो गए। वाह। दर्शन होने के बाद थोड़ा खुशी आई। देखो खेल गुरु की जी, कि हजूर जैसे पीछे आए खड़े हुए, उसी टाइम तैयार हो गया प्रसाद। वाह। फिर एकदम ध्यान आया कि मैं भोग लगवा लूं। फिर भाग कर गया, प्लेट उठाया, चम्मच भी लाए और डालकर प्लेट में हजूर के सामने रखा जी। फिर ही हजूर ने सोचा कि अभी पूरी खुशी नहीं आई है। अच्छा। तो चम्मच भर के जब हजूर ने ऊपर किया तो कह रहे, भाई साहब बड़ा गर्म है। अच्छा। तो मेरे को एकदम हंसी छूटी। वाह। तो बड़ी कृपा हुई, गुरु बगैर कुछ नहीं हो सकता जी, और गुरु का बहुत बड़ा एहसान है कि अपने चरणों में लगाया जी, हमें सेवा बख्शी, सब महापुरुषों का दर्शन होते हैं। क्या बात है, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है जी। तो आप जी ये सेवा में कब से आए? सन 82 में। अच्छा जी, एक लंबा अरसा आपको भी लंगर की सेवाओं में हो गया है जी।
तो ये बड़ी खुशी की बात है वाकई में। और छोटू जी, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि जब आपने सेवा की शुरुआत की तो कोई ऐसी बात, सीख या सलाह किसी ने दी होगी जो आपने हमेशा के लिए गांठ बांध ली, तो ऐसी क्या सलाह रही? ऐसा है, जब सेवा में हम लगे सनसी से ना जी, तब ऐसा है कि सेवा करते गए करते गए, लंगर का भी व्यवस्था अंदर ही था, कोठी के अंदर जी, और 4 महीना तो हम बाहर गए नहीं, देखे नहीं कैसा, किधर सूरज उगता है किधर डूबता है। अच्छा, फिर महापुरुष बोले कि आपने 4 महीना तो लंगर के अंदर ही रहे, बाहर निकले नहीं आप, तो आप ऐसा करो थोड़ा लंगर से बाहर थोड़ा निकला करो जी। तो उसके बाद दास निकलने लगा तब जी, फिर पापा मालिक राम जी कुछ दिन के बाद पार्क में मिल गए अचानक जी, करे बेटा क्या करते हो, हमके लंगर में सेवा है जी जी, करे क्या लंगर बनाते हो, करे हमके हाँ जी जी, करे बेटा ऐसा है जब लंगर बनाया करो ना तो साथ सुमरन जरूर किया करो। वाह, सुमरन करने से ऐसा होगा कि लंगर में एक बरकत होगी जी, आपको भी सुकून मिलेगा, वाह, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और महापुरुष जो खाएगा वो खुश हो जाएगा। वाह, तो बस वही ध्यान वैसे ही बना रहता है कि जो भी महात्मा आए सुमरन करके काम हो जी। और कई महात्मा कहते हैं कि आप लंगर आज बहुत अच्छा बनाए, हम की महाराज करने वाला आप है, आप घट में बैठा करा लेते हैं, अपने में तो कोई ताकत नहीं है कुछ अच्छा बना सके, अच्छा किसी को खिलाए। तो अवदास का ध्यान भी ऐसा रहता है, कोई महात्मा जो खाने के लिए आए तो कोई ऐसा है कि लंगर से कोई भूखा ना जाए, जहाँ तक उसको हम खिला के भेजें जी। तो ये गुरु की कृपा है जो हमें सेवा मिली है, दत्तार कृपा करें कि सेवा मिलती रहे, सेवा से वंचित ना। बहुत सुंदर, तो आज बहुत ही एक प्रैक्टिकल हमने देखा, और बातों बातों में ही जैसे महात्मा समझा देते हैं जी। वैसे ही पापा मालक राम जी जो कि पहले लंगर की सारी सेवा संभालते थे, किस प्रकार एक गुण जो गुरसिक के जीवन का होना चाहिए, किस प्रकार सिमरन करके लंगर खाना चाहिए, बहुत ही प्रेरणादायी वचन हमने इन महात्माओं से श्रवण किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय छोटू जी का और हमारे आदरणीय सोहनलाल जी का अपने एक्सपीरियंसेस अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया जी, धन्यवाद। मानव की सेवा को तत्पर, जात मजहब बंधन से ऊपर, गुरु हुकुम अनुसार हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तो मनीष जी जी, पर्दे के पीछे की बात हो और स्टूडियो का जिक्र ना हो, वाह, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, आइए मिलते हैं स्टूडियो टीम के दो महात्माओं से, आदरणीय चमन जी जो प्रोडक्शन में अपनी सेवाएं निभा रहे हैं, और आदरणीय नूरी जी जो कि ऑडियो स्टूडियो में अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं जी। आप दोनों का आप ही के स्टूडियो में स्वागत है जी। धन्यवाद जी। चमन जी, हम सभी जानते हैं कि स्टूडियो में विभिन्न प्रकार की सेवाओं से सद्गुरु ने आपको नवाजा हुआ है, और इसके ही माध्यम से आप बहुत सारे प्रोग्राम्स, चाहे वो वॉइस डिवाइन हो, किड्स डिवाइन, न्यूज़ डिवाइन, भक्ति संगीत, सोल वाइब्स, या फिर अभी जो लेटेस्ट आया प्रोग्राम था महफिले रूहानियत, ये और कितने अनेकों प्रोग्राम्स हैं जिनके शायद नाम भी अभी लेना मुमकिन नहीं हो पाए, तो ये सारे कार्यक्रम और प्रोग्राम्स जो भी जाते हैं इसमें आपकी सेवाएं निरंतर बनी रहती हैं। तो बस यही सवाल मन में आ रहा था कि ये जो एक प्रोडक्शन से रिलेटेड सेवा है वो आप किस तरह से निभा पाते हैं? हाँ देखिए रश्मि जी, जहाँ तक आप जिसने प्रोडक्शन की बात की है, तो प्रोडक्शन कोई एक व्यक्ति प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन एक पूरी टीम है। अगर पूरी टीम है तो वो प्रोडक्शन चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, क्योंकि एक प्रोग्राम के पीछे एक टीम होती है जिसमें हमारे कैमरामैन, जिसमें हमारे एडिटर, ग्राफिक्स, ऑडियो, स्क्रिप्ट राइटर, कॉन्सेप्ट को किस तरह से बैठ करके उस पर डिस्कस करना, देन उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पूरी टीम वर्क बन करके वो प्रोडक्शन निकल के आती है, फिर उसके बाद में
आगे एयर पे वो जाती है जी। जी, और इन सभी जो भी प्रोडक्शन है, सबसे पहले तो हमारे साथ में सदगुरु माता जी, उनका आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से ही सारे जितने भी हमारे प्रोडक्शन के कार्य हैं, जितने भी हमारे काम हैं, वो उन्हीं की कृपा से ही हो पाते हैं और उन्हीं की कृपा से हम कर पाते हैं जी। वाह जी। जी नूरी जी, आपको भी हम जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो देखते हैं, आप भी निरंतर दिन हो रात हो आप भी अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं, तो अपने नॉर्मल रूटीन से आप कैसे इस टाइम को मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि सुबह भी आपको आना होता है, फिर शाम को भी कई बार 12-1 बज जाता है, तो आप कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? आदरणीय मनीष जी, ये जो सेवा करने का हमें ये जो एक मौका और एक ये जो हमें सदगुरु की तरफ से उपहार मिला है जी, ये सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि सदगुरु ने हमें चुना है कि हम गुरुदर में रह कर सेवा कर पा रहे हैं, और अगर भाव आएगा कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो ये भी भाव दास ये आपको बताना चाहेगा कि जो भी शक्ति, जो भी ताकत, सामर्थ्य जो हमें सदगुरु निरंकार से मिलती है जी, ये उसके द्वारा अपने आप होती जा रही है। वाह वाह, क्या बात है। सेवा जैसे बात करें तो कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं होती, सेवा सेवा है जी। और सेवा का जो भी अवसर मिल रहा है उस सेवा को हमने देखना है कि इस समय मेरी ज़रूरत कहाँ पे है, किस तरीके से मैं जो आए हैं संत महापुरुष रिकॉर्डिंग के लिए, बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं, प्रचारक आते हैं, सबको रिकॉर्ड करने का यहाँ पे मौका मिलता है, तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरी तरफ से उनको हमेशा ही कंफर्ट जोन मिले, एक अच्छी उनको सहूलियत मिले, एक अच्छा उनको लगे कि एक परिवार की तरह हम लोग सब आए हैं, जैसे हमें सदगुरु ने बनाया कि हम सब एक परिवार है, तो बस यही रहता है कि भी सबको खुश करना है, सबको रिझाना है और आशीर्वाद लेने हैं सबसे। क्या बात है। वाह चमन जी, बहुत बार ऐसा ख्याल आता है कि आप जब एक सेवा में इतने संलग्न हो, तो कभी मन में ऐसा सवाल आया कि मेरा भी नाम हो, मैं भी सामने आऊं, लोगों को पता लगे कि मैं भी ये सेवा कर रहा हूं? मनीष जी, जब पूरी टीम साथ मिलकर के कोई भी कार्यक्रम है उसको बनाते हैं जी, और जब वो हुजूर के सामने जाता है, संगतों के सामने जाता है जी, तो जहाँ स्टूडियो का एक नाम आता है तो उसी स्टूडियो के नाम में पूरी टीम और उसी के साथ में दास भी अपने आप को सम्मिलित कर लेता है जी। वाह वाह, कमाल है। मनीष जी, बाबा हरदेव सिंह जी का जब समय था जी, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें मीडिया से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड बाबा जी से सीखी, और फिर माता सविंदर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जी। अभी हमारे हजूर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, उनसे तो इतनी बारीकियाँ सीखी है इस लाइन की, तो बस माता जी का शुक्रिया ही करना चाहेगा दास की, माता जी इसी तरह अपने चरणों से लगाए रखना और ये सेवा ऐसे ही बख्शते रहने जी। हम सभी की यही अरदास और प्रार्थना सतगुरु से कि जो सेवाएं आप जी देते हैं वो निभाने की ताकत भी देना और ऐसे ही लगाए रखना। तो इसी के साथ आप जी का, दोनों का, बहुत जी का, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू जी। धन्यवाद। मानव की सेवा को तत्पर, जात मजहब बंधन से ऊपर, गुरु हुकुम अनुसार हम सेवा को तैयार, हम सेवा को। तो मनीष जी, जी कैसा लगा पर्दे के पीछे रहने वाले इन कलाकारों से, इन सुपरस्टार से मिलकर? बहुत अच्छा भी लगा और प्रेरणा बहुत मिली, है ना जी। कितनी ईमानदारी, भोलापन, सच्चाई और डिवोशन, अपने काम के प्रति डेडिकेशन आज हमने कितनी नजदीक से देखा जी। और ये वो सारे महात्मा थे जो हमारे लिए निरंतर सेवाएं करते तो आ रहे हैं, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इन्हें सामने लाने की एक छोटी सी कोशिश कर पाए, मिल पाए, और आई एम श्योर हमारे श्रोताओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। बिल्कुल रश्मि जी। जी देखा जाए तो सेवा के कई सारे रूप हैं,
और हमें डे टू डे लाइफ में देखने को भी मिलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन कई बार हम उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाते। जैसे कि? जैसे कि हर वो बात अनकही छोड़ देना जिससे किसी का दिल दुख सकता था, मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोलना, कुछ वक्त निकाल कर अपनों के साथ बैठना, बिजी शेड्यूल के बावजूद भी किसी भी परेशानी को सुनने का समय निकालना, बिल्कुल, घर के कामों में हाथ बटा देना, एक डॉक्टर का अपने पेशेंट का इलाज इस तरह करना कि प्रोफेशनल और पर्सनल कनेक्ट दोनों ही महसूस हों, बाहर कहीं होने पर अपनी कार को सेंसिबली चलाना या इस तरह से पार्क करना कि किसी दूसरे को दिक्कत ना हो। मनीष जी, जी बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। जी जिन बातों को हम अपना अधिकार मान लेते हैं, दरअसल उन्हीं बातों में छुपा होता है सामने वाले के अंदर का वह भाव जिससे चीजें दूसरे के लिए आसान सी हो जाती हैं। जी, और साथ ही ये बात भी गौर करने वाली है कि सेवा किसी एक पहलू तक सीमित ना रहे, सिर्फ एक वर्ग तक सीमित ना रहे। जी, जब सदगुरु ने सारी ही धरा को वसुदेव कुटुम्बकम का नाम दे दिया तो फिर कौन अपना रह गया और कौन पराया हो गया। बिल्कुल ठीक, और वैसे भी जो हम सभी का एक अल्टीमेट सोर्स है, जी, जो हमें जरिया बनाकर इंस्ट्रूमेंट बनाकर चुन लेता है किसी भी सेवा के लिए, पर दरअसल करा तो ये सब कुछ खुद ही रहा होता है। बिल्कुल, रहीम जी की लिखी वो पंक्तियां याद आती हैं, देने वाला देत है, देत रहत तिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें ताते नीचे नैन। इसीलिए तो बेहद जरूरी हो जाता है कि सेवा सिर्फ सेवा हो, कहीं गलती से भी हम खुद को करता ना मान लें, अहंकार से दूर रहें और इंसान हैं, इंसान ही बने रहें, इतना ही काफी है। बिल्कुल मनीष जी, जीवन में सब कुछ निरर्थक हो जाता है अगर अहंकार साथ चलता है। सदगुरु की कृपा से ही हम मैं के भाव को छोड़कर हम्बल हो पाते हैं। जी रश्मि जी, आज हमारे साथ हैं आदरणीय महात्मा जोगिंदर सुखीजा जी, जी जो सेक्रेटरी संत निरंकारी मंडल और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की सेवाएं निभा रहे हैं। जी। और इसके अलावा भी सदगुरु ने अनेकों अनेक सेवाओं से इन्हें नवाजा हुआ है। बिल्कुल जी। तो स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समागम का समय नजदीक है और आप दिन रात अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। मनीष जी, जी समय तो नजदीक है, वो आप ही अभी समालखा ग्राउंड से ही रहे हैं। अरे वाह, बल्कि मैं तो कहती हूँ सेवा के बारे में बात करने से या कुछ और पूछने से पहले बेहतर है कि हम वहाँ के नजारों के बारे में पूछे, वहाँ की मिट्टी की महक के बारे में, वहाँ के जोश के बारे में। तो आप प्लीज बताइए कि कैसा माहौल बना हुआ है इस वक्त वहाँ पर। रश्मि जी, समालखा ग्राउंड के बारे में जब आपने बात की जी, मेरा मन एकदम वहाँ पहुँच गया और वहाँ के नज़ारे शब्दों में बयान करने से बाहर है। पर जो थोड़ा बहुत शब्दों में बयान किया जा सकता है कि समय सेवाएं तो सुबह करीब 6 बजे से विधिवत समय है सेवा शुरू होने का, पर महात्मा 5 बजे ही वहाँ पर रौनक लग जाती है। जी। पता चलता है कि बसें आ रही हैं दिल्ली से, कारें आ रही हैं, लगातार महात्मा आ रहे हैं। जी। और कभी बात होती है, पूछते हैं कि महापुरुषों आप इतनी जल्दी आ गए, कहने लगे दिल्ली नहीं लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे पहुंचे। और यूं तो 12:30 बजे तक सेवाएं होनी हैं जी, लेकिन बस जो है 5:30 बजे तक वहां खड़ी हैं, 5:30 चल रही हैं वापस। जब महात्माओं से पूछा कि इतनी देर तक कैसे खड़े हैं, कहने लगे 12:30 जाकर भी घर में क्या करेंगे, आ ही गए हैं तो सेवा करते हैं। और पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है जी, जगह जगह मिट्टी है, कीचड़ है, लेकिन महात्मा ऊपर से बूंदे पड़ रही हैं, बारिश पड़ रही है, लेकिन वही ईटें लेके आगे पहुंचा रहे हैं, वही सत्संगत के गीत गाए जा रहे हैं, वही डांस हो रहा है, साथ में सेवा हो रही है, वही प्यार भरा वातावरण लगातार। और जो एक सतगुरु माता जी दिन में 1-2 बार वहाँ आकर सभी को दर्शन देना, सभी को निहाल करना, जो आंखें तरस रही होती हैं सतगुरु के दर्शन करके एकदम निहाल हो जाती हैं, कई आंखों में आंसू, कई होठों पर हंसी, सब कुछ देखने को मिलती है। और फिर जब नमस्कार का मौका कभी प्राप्त हो जाता है महापुरुषों को, 12:30-1 बजे नमस्कार शुरू होकर 2:30-3 बजे तक चलती है जी। और उसके बाद महात्मा जाते नहीं, फिर जो गाने वाले हैं वो अपनी राग छेड़ देते हैं और सतगुरु भी दयाल होकर सबको बड़ी मेहर भरी नज़र से प्यार सबको देते हैं।
और एक ऐसा वातावरण वहाँ बना हुआ है कि हालांकि सबके बिस्तर भी गीले हो गए, जमीन भी गीली है, लेकिन महात्माओं की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। क्या बात, कोई परवाह नहीं कि शरीर का कहीं बारिश में गीला हो रहा है या कहीं ऐसी काम कैसे होंगे। सबको एक पूरा विश्वास कि सतगुरु पूर्ण है, अगर उन्होंने ये समागम रचा है तो ये बहुत खूबसूरती से निभेगा। तो एक ऐसा नज़ारा है, मैं तो कहूँगा कि सभी श्रोता जब भी मौका लगे एक बार जरूर इन सेवाओं के दौरान जाकर उन ग्राउंड्स में देखें कि कैसा वातावरण बना हुआ है। उत्साह हमारे अंदर भी जैसे भरसा दिया हो जी, बिल्कुल। और ऐसा लगता है 2 साल के बाद, 2 साल का जो गैप रहा तो ऐसा लगा कि भूख और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया ये तो हमें ले ही गया, ऑलमोस्ट टेलीपोर्ट हो गए हम वहाँ पे ग्राउंड में। सुखीजा जी, आपने भी जैसे सेवा का जिक्र किया बताया और एक माहौल जैसे वहाँ पर आपने हमारे स्टूडियो में ही क्रिएट कर दिया, तो हम जानना चाहेंगे कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा हो सेवा को लेकर के जिसने वाकई आपको अंदर तक इस गुरमत में और भी डुबो दिया हो, तो हमारे साथ भी, हमारे श्रोताओं के साथ भी प्लीज शेयर कीजिए। महापुरुषों, ग्राउंड्स में हर तरफ से महात्मा आ रहे हैं जी, देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों से। कुछ महात्माओं से पता चला कि कहीं जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब जी, और उन्होंने अप्लाई किया कि हमें 1 महीने की छुट्टी चाहिए, समागम सेवा पर जाना है जी। तो जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है इतनी लंबी छुट्टी देना। तो पता चला कि इतना उत्साह कि महात्मा ने कहा चलो आकर फिर दोबारा जॉब ढूंढ लेंगे, अभी तो सेवा पर चलते हैं। क्या बात। या कोई देखा ऐसे महात्मा जिनके शरीर में किसी अंग में कोई कमजोरी भी है, लेकिन वो सेवा को लेकर इतने उत्साहित हैं कि जितने अंगों से काम लिया जा सकता है उसी से काम करते हुए सेवा में लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी देखा सेवा करते हुए, और बड़े बड़े बुजुर्ग महात्मा भी। उत्साह में कोई कमी नहीं, उत्साह उतना ही कायम है। और जब भी कोई अगर मिलता है हर वक्त यही भाव कि शुक्र है कि सतगुरु ने ऐसा मौका बख्शा, क्योंकि अभी आपने जैसे कोविड इरा का भी जिक्र किया जी। पिछले 2 साल से समागम नहीं हुए फिजिकल रूप में, महात्माओं के दर्शनों को महात्मा इंतजार कर रहे थे जी। इन दर्शनों की वेला, सेवा की वेला बहुत एक आनंद से सबको भर रही है, और ये बातें शब्दों में बयां करना मुश्किल है जब आप चेहरे देखते हैं किसी के, कि चेहरों पे जो रौनक है, आंखों में जो नूर है, इस समय चमक है, वही बयान करती है कि सेवा को लेकर सेवक कितना अपने आप को भाग्यशाली और आनंद से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। वाह वाह, बिल्कुल। मुझे याद है कि हम भी ऐसे ही 10 दिन पहले जब सेवा पे गए तो बड़ा अच्छा लगा देख करके, छोटे छोटे बच्चे, कोई बुजुर्ग है तो वो चेयर पे बैठ करके सेवा कर रहे हैं जी। और कोई फिजिकल रूप से ज्यादा ऐसे सेवा नहीं कर सकते, कोई पानी पिला करके सेवा कर रहा है, घर से बॉटल की बॉटल भर के ले जाते हैं। तो एक आनंद से भरा हुआ माहौल, एक बहुत ही उत्साह के साथ भरा हुआ माहौल वहाँ पे देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा। और वो जो वीडियोस हर रोज हमारे मोबाइल्स पे आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अंदर और भी जोश को भर कर जाते हैं कि पहला मौका मिले मुझे, पहली छुट्टी मैं ले पाऊं और मैं निकलूं यहाँ से, क्योंकि वहाँ के आनंद की अनुभूति जैसा कि आपने कहा शब्दों में उतारना पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। दास को भी कल ऐसे ही एक दूर देश के महात्मा से बात हुई जी, जो वीडियोस की आपने बात की, वो कह रहे हैं कि मैं जब जब वीडियो देखता हूँ तो ये लगता है कि कब पहली फ्लाइट लूँ और मैं इस समागम ग्राउंड में पहुँचूँ। बिल्कुल। और कुछ ऐसा कार्य बना कि उनको दिल्ली आना बना, तो कहने लगे मैं धन्य हो गया कि मुझे ये समागम ग्राउंड में जाने का मौका मिलेगा। और मनीष जी, जैसे अभी आपने बात की समागम ग्राउंड के नज़ारे की जी, तो आपको ध्यान होगा कि 1 अक्टूबर को अभी दिल्ली में रात का कार्यक्रम था सतगुरु माता जी की हजूरी में। हाँ जी। और ऐसा लग रहा था प्रबंध के नाते से कि रात को कार्यक्रम है तो शायद सुबह उतना उत्साह देखने को नहीं मिले जितना पिछले संडे को मिला था जी, लेकिन वो सारे के सारे जो अंदाजे थे वो फेल हो गए। जितनी संगत शनिवार रात को आई थी जी, उससे कहीं अधिक 2-3 सुबह संडे के दिन ग्राउंड में संगते थी। क्या बात। हालांकि रात को शनिवार देर से घर गए होंगे महात्मा जी, और सुबह सेवा भी 6 बजे आरंभ हो गई थी। बिल्कुल। 6 बजे से ही इतनी अधिक संख्या में महात्मा थे, हर भाग में बड़ी बड़ी भीड़ थी। तो पता चला कि जो सेवादार होते हैं, गुरसिक होते हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ते, रात को सत्संग, सुबह सेवा, हर मौके का लाभ ले रहे हैं। वाह, पता नहीं लग रहा कि कब दिन होती है कब रात हो जाती है। हाँ जी। और रात भी असर नहीं कर रही है और दिन को सब इंतजार कर रहे होते हैं कि कब समय हो हम जाके सेवा करें।
वाकई सच्चे पातशाह की बहुत कृपा है कि ये सब नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, सबको विटनेस करने को मिल रहे हैं, नो डाउट। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति चाहकर भी इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, जिस पर सद्गुरु की कृपा और मेहर होती है उन्हीं को ये नज़ारे और उन्हीं को ये एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिना कृपा के तो ये संभव नहीं है। ये निरोल सतगुरु की कृपा दया है कि उन्होंने ऐसा एक मौका भी बख्शा और महात्माओं का उत्साह एक दूसरे को मोटिवेट कर रहा है, कहीं कोई कमजोरी आने नहीं दे रहे कि वे सेवा की तरफ ही सबका ध्यान लगा हुआ है। बिल्कुल, सतगुरु माता जी का हमेशा ऐसा ही आदेश प्राप्त होता है जी कि जब भी कोई प्लानिंग करे सेवाओं को लेकर जी, फोकस में हमेशा आने वाले महापुरुषों का आराम और उनकी सुविधा को रखा जाए, उसी को फोकस में लेकर सभी प्लानिंग और सभी सेवाओं को निभाया जाए। हम सब ने ये देखा है, महसूस किया है कि सद्गुरु हमेशा यही चाहते हैं कि एक गुरसिख दूसरे गुरसिख को पहल दे, उनकी सहूलियत का ध्यान रखे, उन्हें आगे बढ़ाए। ये सेवा का जो रूप बनता है ये हमें भाईचारे की तरफ भी लेकर जाता है, और आपने जो इतने सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किए, तो आई एम श्योर मनीष जी, जो भी घर में जहाँ जहाँ भी बैठकर, कोई शायद ट्रैवल कर रहे होंगे इस टाइम पे प्रोग्राम सुनते हुए, कोई हो सकता है ग्राउंड की तरफ ही जा रहे हों, लेकिन सबके अंदर जो आपने उत्साह भरा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना जो बेशकीमती वक्त निकाला है, हम सभी जानते हैं कि आप सेवाओं में दिन रात लगे हुए हैं, और उसके बावजूद आपने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया, आप जी आए, समय दिया, तो आपका हृदय से धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। सुख का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है, सुख का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है, बेचैन दिल है कोई अगर तो जैनो करार सेवा है, सुख का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है, सुखों का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है, ओ सब गुरु को अर्पण, सेवा तो है एक समर्पण, तन मन धन सब गुरु को अर्पण, सेवा करके नूर भरा चेहरा दिखलाता दर्पण, सेवा जिसने की उसका पल भर में बदला जीवन, भरती भंडार सेवा है, लाठी बहार सेवा है, भरती भंडार सेवा है, लाठी बहार सेवा है, ओ रश्मि जी। जी, कहीं पढ़ा था कि जो लोग परमात्मा से सच्चे मन से जुड़ते हैं वो स्वयं ही इसके बनाए बंदे की दुख तकलीफ और पीड़ा को महसूस करना शुरू कर देते हैं और उसे कम करने की कोशिश में खुद ही जुट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, बल्कि आपकी बात सुनकर मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। जी, कुछ साल पहले की बात है, हम लोग एक हिल स्टेशन से वापस गुड़गांव आ रहे थे, रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई जी। पहाड़ी रास्ता था, कुछ टूटा और कुछ कच्चा सा, जो बारिश के चलते और भी खराब हो गया था। मन में चिंता के भाव उभरने लगे थे और हम सभी सिमरन करने लगे जी। अचानक नजर ऊपर पहाड़ी पर बने एक घर की तरफ गई जी। घर की बालकनी में एक लेडी खड़ी हुई थी, उनकी निगाह भी हमारी तरफ ही थी और ऐसा लगा कि चेहरे पर एक परिचित सी मुस्कुराहट भी है जी। ऐसी मुस्कान जो भरोसा दे कि सब ठीक है, जो बिना कुछ कहे एहसास दिला दे कि यू आर ऑल राइट,
उन्होंने हाथ हिलाकर हल्का सा वेव भी किया। अच्छा। इधर से मैंने भी पलटकर वेव कर दिया और उस पल में ऐसा लगा कि ये तो बहुत पुरानी सी जान पहचान है। वाह। गौर किया तो पाया कि उनकी बालकनी में एक बहुत बड़ी सी फोटो लगी हुई है। किसकी? सतगुरु की। वाह। और इधर गाड़ी के पीछे वाले ग्लास पर भी समागम वाला पोस्टर लगा हुआ था। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, एक रिश्ता अपने आप कायम हो गया था। वाह। गुरसिखी का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, भरोसे का रिश्ता, जैसे सतगुरु ने उन्हें हमारे लिए ही भेजा था उस पल में। और ये सब कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हुआ, लेकिन आज भी दिमाग में सारी की सारी बात एज इट इज फ्रेश है। मैं समझती हूँ कि ये भी एक सेवा ही है, वो मुस्कुराहट जो किसी का सहारा बन जाए। बिल्कुल सच कहा आपने। सदगुरु ने एक ऐसी प्रीत की डोर से हम सभी को बांध दिया है जहां बंधन से तो मुक्ति है लेकिन प्रेम भाव से हम सभी जुड़े हुए हैं। और जब यही प्रेम हर तरह से बैरियर्स तोड़कर समाज में, दुनिया में प्रवाहित होता है तो एक बेमिसाल रूप ले लेता है। वाकई। ऐसी सोच, ऐसी सुंदर सीख देने वाले हर गुरसिख को नमन है, सदगुरु को नमन है। ये सदगुरु ही होते हैं जो अपने से परे सोचना सिखाते हैं, सेवा का भाव मन में डालते हैं। और ऐसे ही सेवा के भाव से जुड़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जब माना तब जाना में, और सुनते हैं आदरणीय महात्मा कैप्टन मंधीर जी को। धन्यकार जी, सेवा। सेवा शब्द हमने कई बार संगतों में सुना है, परिवार में भी सुना है। सेवा की बात आती है तो संपूर्ण अवतार वाणी का एक शब्द जो हमने अक्सर सुना है वो सहज में ही ध्यान में आता है। साध दी सेवा ओ कर सके, जिस तो आप करावे ए अवतार ओ गावे, सिफत हरी दी जिस तो आप गवावे ए। दास एक इंसिडेंट आप जी के साथ शेयर करना चाहेगा। दास पेशे से पायलट है और एक दिन काफ़ी लंबी और थकान भरी उड़ान के बाद शाम को दास घर लौटा और रास्ते में ये सोच रहा था कि आज तो बहुत थका हुआ हूँ, घर जाऊँगा, रेस्ट करूँगा और सो जाऊँगा। उसी दिन संगत भी थी लेकिन मन में ये सोच लिया था कि आज संगत को रहने ही देता हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। इतने में ही एक फ़ोन की घंटी बजी और जैसे ही देखा मम्मा का कॉल आया। उनका पहला ही क्वेश्चन ये था कि बेटा संगत जाना है? मानो वो बात मुझे इस तरह से सुनाई दे रही थी कि संगत जाना है। और उसी वचन को मानते हुए दास जल्दी से घर पहुंचा और संगत के लिए निकल गया। लेकिन फिर रास्ते में जाते हुए मन में यही चल रहा था कि संगत करके फटाफट वापस आ जाऊंगा। जब संगत समाप्त हुई और मैं निकलने लगा तो पीछे से महापुरुषों ने बाजू को पकड़ लिया और बोला, मंधीर चलो लंगर बरताना है, लंगर की सेवा करनी है। जैसे ही महात्माओं का आदेश आया मानो मन के अंदर एक ऊर्जा आ गई और सारी थकावट कहीं दूर हो गई। आधा पौना घंटा सेवा करी, पता ही नहीं चला कब ये टाइम निकल गया। और लंगर डिस्ट्रीब्यूट करते करते फिर मन ने अपना प्रभाव डाला और मैंने सोचा बस अब घर निकलता हूँ। जैसे वो कबीर जी का दोहा भी है कि मन हर बार चंचल हो जाता है, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के माते ना चालिए पलक पलक मन और। तो दास ने अपनी प्लेट पकड़ी और सोचा कि खुद लंगर छक के घर निकल जाता हूँ। इतने में ही दूसरी तरफ से महापुरुषों की आवाज़ आई कि मंधीर जी जल्दी लंगर कर लो और उसके बाद आपको सफाई की सेवा में भी लगना है। ये सुनते ही खुद से मन ने कहा, मैं यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, सेवा से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनकी कृपा देखो, ये मुझे पकड़ के सेवा करवा रहे हैं। तो इनके आगे समर्पित हो के वो सेवा भी करने का मौका मिला। और आप जी यकीन मानिए कि उस दिन दास ही लास्ट पर्सन था रात को भवन से निकलने वाला। और शुक्र शुक्र करते हुए वही याद आई शब्द की जो दास ने अभी पहले भी बोला कि साध दी सेवा ओ कर सके,
जिस तो आप करावे ए। मन तो अपने बहाने लगा रहा था, लेकिन इन्होंने किसी न किसी रूप में खुद सेवा बख्शी। और जहां मैं पहले खुद को इतना थका हुआ महसूस कर रहा था, वहीं अब अपने आप में ही ऐसी एक्टिव एनर्जी फील कर पा रहा था कि अगर कोई और भी सेवा का आदेश आए तो दास उसके लिए भी हाजिर है। एक बात और, जितनी देर दास वहां सेवा कर रहा था, उतनी देर दास का ध्यान निरंकार के साथ और सतगुरु की शिक्षाओं के साथ कॉन्स्टेंटली जुड़ा रहा। तो ये भी एक एहसास कई बार हुआ है कि सेवा भी आत्मा को परमात्मा से जोड़े रखने का एक प्रबल साधन है। जैसे वो एक कोट भी कहीं पढ़ने को मिला, द मोर वी कम आउट एंड डू गुड टू अदर्स द मोर आर हार्ट्स विल प्योरीफाई एंड गॉड बी इन देम। तो दास को तो यही लगता है कि सेवा हमें ऊर्जा बख्शती है, खुशी बख्शती है, आनंद बख्शती है, बहार बख्श देती है। तो सतगुरु के चरणों में ये अरदास है, जैसे जैसे आपके आदेश आए दास उसी प्रकार सेवा करता जाए। धन्यकार जी। As the true master ordains according to the time, place and situation, the disciple honors his word as supreme and goes ahead accordingly. सेवा करके और जाए संतो सतगुरु अपना, एक एक करके पूरा होगा जीवन का हर सपना। सेवा करके और जाए संतो सतगुरु अपना, एक एक करके पूरा होगा जीवन का हर सपना। सेवा करते हुए हृदय में नम्र भाव को रखना, एक उपकार सेवा है, लाती बहार सेवा है, एक उपकार सेवा है, लाती बहार सेवा है। ओ रश्मि जी, जी अभी जैसे हमने सुना, और ये सेवा के विभिन्न पहलू होते हैं जिसे हम कहते हैं निष्काम, निरिच्छित। इसका एक और पहलू है कि सेवा इतनी चुपचाप तरीके से की जाए कि अगर दाहिने हाथ ने सेवा की है तो बाएं हाथ को पता भी ना चले। बिल्कुल। तो आपने जो बात कही अभी जी, उससे मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आ गया, शायद आपने भी सुना होगा जी, सस्पेंडेड कॉफी कॉन्सेप्ट। ये कैसा कॉन्सेप्ट है जी? दरअसल इटली में एक बेहद खूबसूरत सा शहर है नेपल्स जी। मैं वहाँ कभी नहीं गई जी, लेकिन मन जरूर है जाने का, खास तौर पर ये समझने के लिए कि जिस जगह ने सारी दुनिया को ये कमाल का ट्रेडिशन गिफ्ट किया, वहाँ के लोग कितने कमाल के होंगे। कौन सा ट्रेडिशन रश्मि जी? कुछ साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वहाँ पर तकरीबन हर कैफे सस्पेंडेड कॉफी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जिसमें कि कॉफी ऑर्डर करने वाला इंसान अपनी कॉफी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा कॉफी के लिए भी पे करता है। अच्छा। एंड द इंटेंट बिहाइंड डूइंग सो इज टू सिंपली डू समथिंग फॉर समवन एनोनिमसली, स्पेशली फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड अ हम्बल अ सिंपल कप ऑफ कॉफी। ओहो। ये शुरू तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर हुआ था जी, पर कुछ साल पहले फिर से रिवाइव हुआ और फिर इंटरनेट से, वर्ड ऑफ माउथ से धीरे धीरे दुनिया में फैल गया जी। और अब की बार सिर्फ कॉफी तक ही सीमित नहीं है मनीष जी, इसमें कुछ बेसिक फूड आइटम्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि सैंडविचेस या कोई और बेसिक फूड। तो है ना कमाल का कॉन्सेप्ट, सिंपल येट पावरफुल। एब्सोल्युटली। देयर इज अ कोट आल्सो व्हिच सेज, द सर्विस यू डू फॉर अदर्स इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम ऑन दिस अर्थ। एब्सोल्युटली। और इस सेवा में जब एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी जुड़ जाता है तो मानो की सही दिशा भी मिल जाती है। अपने लिए जीना दिमाग को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन दूसरे के लिए जीना तो दिल को सुकून देता है। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी
इसी का तो दूसरा नाम है ना, इसके एहसास को शामिल करके एक्ट करना, फिर चाहे वो पर्सनल सा काम हो या फिर सेवा। जैसे संपूर्ण अवतार बाणी में भी लिखा है कि तन मन तन तिन्ना तो उच्ची ओ सेवा कहलांदीए, जो होवे निष्काम निरिच्छित ते सद्गुरु पांदीए। जी, तो आइए रश्मि जी, हम सब मिलकर के सद्गुरु के चरणों में अरदास करें कि हम सभी को सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि आपके हर आदेश जिसमें हम सभी के लिए ही सुख छुपा हुआ होता है उसे हम पूरी श्रद्धा भाव से मान पाएं। जी। तो आइए इसी प्रार्थना अरदास के साथ हम लेते हैं इजाजत वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड से, और आप सभी को जोड़े जाते हैं सद्गुरु संदेश से। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन निरंकार। अगर हम अपने आप को चाहते हैं निखारना, तो वो निखार सिर्फ इस परमात्मा से जुड़कर ही आ सकता है। और जो व्यक्ति सही मायने में परमात्मा से जुड़ा हुआ है, फिर उसके मन में कहीं खटास नहीं रह सकती। वो नेचुरली डे बाय डे इतना प्योर उसका मन होता जाएगा कि ये चलाकियां नहीं, एक बस दिल से, प्यार से, पूरे ही एक प्योर इंटेंशन से संसार के हर व्यक्ति में ये परमात्मा ही देखता है। और फिर अपने आप को जब अगर ये बात हम करते भी हैं कि मानवता की सेवा करनी है, मानवता के लिए समर्पित होना है, तो वो तब तक एक दिखावा करना तो आसान है कि कोई एक्टिविटी कर ली और मीडिया में आ गए और उस तरह से कुछ भी। एक आजकल सोशल मीडिया भी इतना ऊंचाई पर कि ये अपने एक्ट्स तो हम संसार के आगे बहुत खूबी से रख सकते हैं, पर अगर हमारे मन में सच में है तो फिर हमें उस बात की भी परवाह नहीं होगी कि क्या कोई कैमरा इस समय हमें कैप्चर कर रहा है, क्या हमारे एक्ट संसार तक पहुंच रहे हैं। एक बस मन में एक सेल्फिश मोटिव नहीं, एक अपने लिए अप्लॉज के लिए नहीं, वो जैसे सदगुरु बाबा जी भी हमेशा कहते थे, वर्क फॉर द कॉज नॉट फॉर अप्लॉज, कि एक कॉज ही हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होएगा मन में, एक करुणा दया ये प्यार, इसी के ऊपर जब हम आधार हो जाएंगे निरंकार पे, तो फिर हमारा हर कर्म भी इतना स्मूथ होता जाएगा कि हम सच में एक दूसरे के जीवन में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं। वक्त है हुण, सुन जवाना।